बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे को लेकर सियासत इन दिनों काफी तेज है। अटकलें लगाई जा रही है कि पंकजा मुंडे को पार्टी दरकिनार कर रही है, साथ ही उन्हें राज्य में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। उन्हें सरकार में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया और बिना पद के ही सचिव बना दिया गया। कोई बड़ा पद नहीं मिलने की वजह से पार्टी और पंकजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि पंकजा ने कभी खुद इन कयासों पर सामने आकर कुछ साफ नहीं किया, लेकिन उनके अलग अलग बयानों से इस पर असर पड़ता दिख रहा है। वहीं जब एक इंटरव्यू के दौरान पंकजा से ये सवाल किया गया कि 2014 में राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आपने बयान दिया था कि जनता के मन में मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, कहा जाता है कि इस बयान के कारण आपके पंख कतर दिए गए, क्या आप इस बारे में सोचती हैं? इस सवाल के जवाब में पंकजा का कहना था, ऐसा लगता है जो दर्द मैं नहीं जानती वो आप समझ गए हैं। मूलतः जनता के मन में मैं ही मुख्यमंत्री थी, मैंने इसे कई बार समझाया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई बयान मुझे दिक्कत देता है तो क्या ये अच्छा है? अगर एक वाक्य कहने से ऐसा कुछ हो जाए तो ये अच्छा प्रभाव नहीं है। पार्टी के साथ मनमुटाव की खबरों पर बात करते हुए पूर्व मंत्री का आगे कहना था कि मैंने वो वाक्य मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं कहा, लेकिन मान लीजिए कि मैंने कहा, लेकिन फिर भी आसमान टूट पड़ा कि एक आदमी को सीधे जिंदगी से उठाना पड़ा। क्या राजनीति में ऐसा नहीं है? मुंडे ने अपना दर्द बयां करते हुए आगे कहा, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, अगर लोगों के बीच ये धारणा फैली कि तो ये अच्छा नहीं होगा। दरअसल ऐसी भी अटकलें लगाई जाती हैं कि पार्टी में फडणवीस की ताकत बढ़ने के बाद पंकजा को साइडलाइन किया जा रहा है। बीजेपी के दो नेता पंकजा मुंडे और फडणवीस के बीच टकराव को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। हालांकि दोनों नेताओं का कहना है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। मुंडे को संगठन में पदों से हटाया गया। मुंडे समर्थकों का दावा है कि इसके पीछे फडणवीस का हाथ है। वहीं दावों के बीच पंकजा मुंडे ने अपना दर्द बयां किया और चर्चा एक बार फिर छिड़ गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।